हिमाचल की बेटियां लगातार हिमाचल का नाम रोशन कर रही हैं। इस बार सिरमौर की जयवंती और ठियोग की हिना वर्मा ने कमाल कर दिखाया है, जिसमें जयवंती ने हिमाचल की झोली में पहली बार ताइक्वांडो में ब्रोंज मेडल जीता है। आपको बता दें कि ये प्रतियोगिता दुबई में आयोजित हुई है, जिसमें हिमाचल की 2 और भारत से 24 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था और उनमें से जयवंती और हिना वर्मा ने ब्रोंज जीतकर हिमाचल का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए जयवंती कश्यप ने बताया कि उन्होंने दिन रात एक कर प्रतियोगिता में ब्रोंज मेडल हासिल किया है, लेकिन इसमें सरकार की ओर से उन्हें कोई भी आर्थिक सहयोग नहीं मिला है और ना ही कोई सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाई गई है। वो आज जो भी उपलब्धि हासिल कर पाई हैं, वो अपने बलबूते पर कर पाई हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहती हैं कि उन्हें भी अन्य राज्यों के खिलाड़ियों की तरह वित्तीय सहायता मिले और तरक्की मिले, ताकि उनका मनोबल और बढ़ सके और वह अगली बार प्रदेश के लिए गोल्ड ला सके। उन्होंने कहा कि वो लगातार प्रदेश का नाम देश और विदेश में रोशन करती आ रही हैं। वह खेल के क्षेत्र में कुछ कर सकती हैं, वह उन्होंने साबित भी कर दिया है। अब सरकार की बारी है कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस उपलब्धि से और यह हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं अपनी इस उपलब्धि से बहुत खुश हूँ और साथ में अपने पुलिस डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना समय दिया कि मैं अपनी प्रैक्टिस कर पाऊँ, क्योंकि नौकरी के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अपने डिपार्टमेंट से थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगी कि मुझे थोड़ा और समय दिया जाए, ताकि मैं आने वाले टाइम में एशियन गेम्स के लिए और ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई कर पाऊँ। अपने देश की, प्रदेश की महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो जो भी कार्य कर रही है, जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रही है, मतलब अपना 100% दे, क्योंकि महिलाएं, लड़कियां किसी से कम नहीं है। तो मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ।